नमस्कार, एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा। लोकसभा का चुनावी घमासान बिहार में भी पूरे शबाब पर है। ऐसे में हर एक पार्टी हर एक सीट पर पूरे गुणा गणित के साथ उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है। इसी बीच बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू ने भी सभी 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 16 सीट के हर एक उम्मीदवार का परिचय कराएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की इस लिस्ट में क्या खास है। जेडीयू की लिस्ट में मुंगेर से ललन सिंह और शिवहर से लवली आनंद को टिकट दिया गया है। 2024 के चुनावी घमासान में जेडीयू के ज्यादातर उम्मीदवार रिपीट हो गए हैं। सिर्फ सिवेंद्र, सीतामणि और शिवहर और किशनगंज में नए प्रत्याशी उतारे गए हैं। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए 6 पिछड़े, 5 आधी पिछड़ा, 1 महादलित, 1 मुस्लिम और 3 स्वर्ण को टिकट दिया गया है। 16 उम्मीदवारों की लिस्ट में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि क्या हैं प्रत्याशियों के नाम। तो मुंगेर सीट से ललन सिंह, बांका सीट से गिरिधर यादव, सुपौल सीट से दिलेश्वर कामत, मधेपुर सीट से दिनेश चंद्र यादव, जहानाबाद से चंद्रशेखर चंद्रवंशी, वाल्मीकि नगर से सुनील मनहोत, पूर्णिया से संतोष कुशवाहा, कटिहार से दुलचंद गोस्वामी, गोपालगंज से आलोक सुमन, भागलपुर से अजय मंडल, नालंदा सीट से कौशलेंद्र कुमार, झंझारपुर से रामप्रीत मंडल। 16 सीटों की लिस्ट में यहां 4 नए उम्मीदवारों को भी मौका मिला है। लोकसभा सीट के ये उम्मीदवार हैं सिवान से विजय लक्ष्मी, शिवहर से लवली आनंद, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम। बता दें कि बिहार में एनडीए गठबंधन में शामिल जेडीयू के हिस्से में 16 सीटें आई हैं, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, रामविलास और एक एक सीट पर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से उम्मीदवार होंगे। बीजेपी की ओर से अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली थी। पिछले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। एलजेपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसमें बीजेपी 17 में से 17 जीत गई थी। जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी, इसके साथ ही एलजेपी ने भी 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस एकमात्र सीट किशनगंज से जीती थी। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।